हेलो एवरीवन वेलकम टू फिजिक्स वाला आप सभी का आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर हार्दिक अभिनंदन है बच्चों आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं माता का आँचल तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि भाई माता का आँचल चैप्टर आखिर है क्या आइए हम जानते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर की विशेषता क्या है और आप तो जानते ही हैं कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है हमारे जो सीखने का तरीका है वो रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूनिक है यानी कि कैसा है सबसे पहले हम अपने चैप्टर का समरी समझते हैं यानी कि हम अपने पाठ का सारांश समझते हैं और फिर समझते हैं कि प्रश्नोत्तर की भाई परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण हैं तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं माता का नामक इस पाठ में लेखक अपने बचपन की खट्टी मीठी यादों को शब्दों में प्रोकर बताता है कि वह शुरू से ही अपने पिता के बेहद करीब था और उनके स्नेह की छत्रछाया में खूब फला फूला जब भी पिताजी पूजा कर करने जाते तो उसे भी त्रिपुंड लगा देते और वह त्रिपुंड बालक पर खूब जमता बालक को पिता प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते जबकि बालक का सही नाम तारकेश्वर था पूजा से निवृत्त होकर पिताजी राम नाम की पर्चियाँ लिखते और उन्हें आटे की गोलियों में लपेट कर मछलियों को खिलाने जाया करते भोलानाथ में अपने पिता के कंधे पर चढ़कर उनके साथ जाया करता तो बच्चों यहाँ क्या होता है कि बताता है लेखक कि वह अपने पिता के बहुत करीब था और उसे अपने पिता से बहुत सारा स्नेह मिला जब पिता पूजा करने जाते हैं तो अपने बालक को भी त्रिपुण लगा देते हैं और उसे प्यार से भोला कहते हैं भोलानाथ जब पूजा जब पिताजी पूजा सम्पन्न कर लेते थे, थे तो भोलानाथ भी उनके साथ जाया करता था और मछलियों को दाने डाला करता था और दाने भी ऐसे वैसे दाने नहीं राम नाम की जो पर्चियाँ थी उनको आटे में लपेट मछलियों को खिलाया करता था अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है लौटते समय पिताजी उसे पेड़ों की डाल पर झूला झुलाया करते घर लौटने पर भोलानाथ की माँ अपने हाथों से तोता मोर और कौवा आदि के नामों से बनावटी कौर खिलाया करती अब बच्चों यहाँ इसका अर्थ समझ लो होता क्या है कि भोलानाथ अपने पिताजी के साथ मछलियों को दाना देने चला जाता है और जब लौट कर आता है तो उसकी माँ उसे खाना खिलाया करती थी अब बच्चे सामान्यतः खाना खाते नहीं है खाना खाने के लिए बच्चों को बड़ा जतन करना पड़ता है बच्चे पेट भर के खाना खाने में पसीना छुड़वा देते अपने माता पिता का तो उसकी माँ क्या किया करती थी भोलानाथ की माँ कि कौर तोड़े बड़े बड़े और उनका नाम रख दिया कि भाई ये चिड़िया है ये तोता है और जल्दी से खा लो वरना उड़ जाएगी और जैसे ही माँ ऐसा किया करती थी तो भोलानाथ फटाक से कौर खा लेता था और उसका पेट भर जाया करता था तो बच्चों एक बात यह भी है कि जब बालक का पेट भर जाता है जब हम खाना से तृप्त हो जाते हैं तब हम निकलते हैं खेलने कूदने की तरफ तो भोलानाथ भी खेलने कूदने जाया करता था और खेल कूद भी ऐसे नहीं होते थे खेल कूद भी बड़े मज़ेदार हुआ करते थे तो आइए जानते हैं कौन कौन से खेल खेला करता था हमारा भोलानाथ तो देखिए बच्चों कई तरीके के खेल भोलानाथ खेला करता था जैसे मिठाइयों की दुकान लगाना पंगत खिलवाना खेती करना तरह तरह के खेल अब देखो ये सारे खेल तो वो खेला करता था और इन सारे खेलों का भाग जो बनते थे कौन बनते थे लेखक के पिताजी जैसे कभी अगर भोलानाथ मिठाई वाला बन गया और पंगत खिलाने लगा अगर लोगों को तो उनके पिताजी पूछ लिया करते थे कि भाई और भोलानाथ जी अब खाना कम मिलेगा अगर भोलानाथ खेती वाला खेल खेलने लगा तो उसके पिताजी पूछ लिया करते थे कि भाई भोलानाथ ये बताओ खेती तुम्हारी कैसी हुई है इस साल तो इस तरीके से बच्चों की दुनिया का जो भाग थे वो पिताजी बन रहे थे लगातार अब देखो बच्चों आगे क्या होने वाला है लेखक आसपास के सामानों से यानी कि जुगाड़ करके देखो कहानी जो है ना बच्चों ये कहानी जो है वो है ग्राम्य जीवन की कहानी और उस दौर में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी जितनी सुविधाएं आज के दौर में होती हैं तो लेखक ना आसपास के सामानों से जुगाड़ करके खेला करता था और वो भी खेल इस प्रकार से हुआ करता था कि वहां से जो भी बटोही निकलता था जो भी राहगीर निकलता था उन सबका मन मोहलिया करते थे खेल खेल कर तो आगे बढ़ते बच्चों और कहानी को समझते कि आगे इस कहानी में और क्या होता था अब एक बार लेखक और उसका एक मित्र तिवारी नाम के एक बूढ़े व्यक्ति को चिढ़ा देते हैं जिस पर वह बूढ़ा व्यक्ति गुरु से लेखक की शिकायत कर देता है और गुरु लेखक को पकड़कर पीटते हैं देखो बच्चों जीवन में बाल्यकाल में शिकायतें सबके जीवन का हिस्सा होती हैं यानी कि जब भी जीवन में आप बचपन में देखिए या बच्चों को देखिए सबकी शिकायतें होती हैं सब उधम करते हैं तो इसी तरीके से हमारे जो लेखक महोदय हैं वो भी उधम करते हैं और एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है तिवारी उसको चिढ़ा देते हैं और वो बूढ़ा व्यक्ति जाकर मास्टर जी से हमारे लेखक की शिकायत कर देता है और लेखक जो है ना वो मास्टर जी के सामने पकड़ कर लाए जाते हैं कि इधर आओ भाई तुमने तो ये गलती कर दी है और लेखक को ना मास्टर जी बड़ी बुरी तरीके से पीटते हैं अब जब ये बात उनके पिताजी को पता चलती है कि भाई मेरा बच्चा जो है वो पिट रहा है तो पिताजी फ़ौरन गुरु जी के पास पहुँचते हैं और कहते अरे अरे सर जी ऐसे क्यों कर रहे हैं वो तो अबोध बालक है उसके जो साथ के लोग थे ना वो उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिए हैं हमारा भोला राम तो कुछ नहीं जानता है ऐसा प्रार्थना कर कर के वो गुरुजी से भोला राम को बचा के लाते हैं और रास्ते में बेचारा भोला राम इतना पिटने के बाद सिसक्ता सिसकता रोता रोता अपने पिताजी के साथ चल पड़ता है अब देखिए बच्चों एक इंटरेस्टिंग घटना और घटती है क्या घटती है कि जैसे ही भोला राम अपने पिताजी के साथ जा रहा था रास्ते में उन्हें मिल जाती है मित्र मंडलों की टोली यानी कि अपने सही मित्रों की टोली मिल जाती है मित्र मंडली मिल जाती है और जैसे ही वो अपनी मित्र मंडली को देखते हैं रोना धोना भूल जाते हैं उनके साथ अपने पुराने खेल में लग जाते हैं अपने खेल में अपनी शरारतों में फिर से व्यस्त हो जाते हैं अब यही जो समय है यही जो अवस्था है उसी को ही कहा जाता है बाल काल। कि पल में रोना है पल में हंसना है इसी को कहते हैं बाल प्रकृति तो बच्चों आगे बढ़ते हैं कहानी में और देखते हैं क्या होने वाला है आगे एक बार लेखक टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी भरने लगते हैं और उस बिल से चूहे के स्थान पर सांप निकल आता है अब जैसे ही बच्चे सांप को देखते हैं तो भैया सांप तो वैसे ही भाई का दूसरा नाम है सारे बच्चे गिरते पड़ते दौड़ते वहाँ से भाग जाते हैं लेखक भी भागना शुरू करता है और गिरते हुए पढ़ते हुए बेचारा पहुँचता है अपनी माँ के पास और उनके आँचल में जाकर सिमट जाता है कि भाई मम्मी जी बहुत आज तो हमको डर हो गया है रोना शुरू कर देता है माँ देखती है कि भाई हमारा भोला तो आज रो रहा है क्या बात हो गई है तो माँ उसके घावों पर हल्दी लगाती है उसे पुचकारती है और प्यार से पूछती है कि बेटा क्या हुआ भोला राम की ऐसी हालत देख कर उसके पिताजी भी आ जाते हैं कि भाई क्या हुआ मेरे भोला को ऐसी स्थिति क्यों है और कहते हैं कि आओ बेटा तुमको मैं गोदी ले लेता हूँ इधर आओ क्या हुआ पर भोला राम माता की गोदी छोड़ना ही नहीं चाहता है पिताजी मनाते रहते हैं कि इधर आओ इधर आओ बताओ क्या हुआ पर भोला राम अपनी माता की गोदी नहीं छोड़ता है तो बच्चों ये था कहानी का सारांश यानी कि कहानी का मूल अर्थ तो बच्चों इस कहानी के मूल अर्थ से हमें ये प्रेरणा मिलती है हमें ये संदेश मिलता है कि सुख की छाया चाहे कितनी भी बड़ी हो जब भी जीवन में दुख आता है किसी भी बालक के जीवन में जब भी बालक हमेशा अपनी माता की ओर जाता है तो ये था बेटा कहानी का मूल अर्थ अब बच्चों हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर और समझते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं तो हमारा बच्चा पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है लेखक का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा तो देखो उत्तर क्या है लेखक के पिता सुबह जब भी स्नान कर पूजा करने जाते लेखक को त्रिपुंड लगा देते लेखक के लंबे बालों पर त्रिपुंड बहुत ही सुंदर लगता और इसलिए लेखक के पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे तो मूलतः बेटा कहानी यह है कि तो मूलतः बात यह होती है कि बच्चों जब भी पिताजी पूजा करने जाया करते थे अपने प्यारे भोला को तिलक लगाया करते थे तिलक भी ऐसा वैसा तिलक नहीं त्रिपुंड लगाया करते थे और प्यार से उसे भोला कहा करते थे यानी कि भोला नाथ कहा करते थे इसीलिए उसका नाम भोला नाथ पड़ गया आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारा अगला प्रश्न है पाठ के आधार पर लेखक के पिता की विशेषताएं बतलाइए अब बच्चों देखो इस प्रश्न का उत्तर तो हमने शुरू में ही जान लिया था लेखक खुद कहता है अपने मुंह से कि उसके पिता का जो संबंध था उसके साथ वो बहुत घनिष्ठ था बहुत लगाव वाला था पर हमें समझते हैं कि इस प्रश्न को हम लिखेंगे कैसे परीक्षा में तो देखिए लेखक के पिता एक सरल एवं वात्सल्य भाव से पूर्ण व्यक्ति थे वह अपनी संतान से अगाध प्रेम करते थे साथ ही साथ उन्होंने अपने बालक को संस्कारों और संस्कृति से भी परिचित कराया था इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखक पिता होने के साथ साथ उसके सच्चे मित्र भी थे अब बच्चों देखो यहां एक चीज नोट कर लो जब भी आप आंसर लिखें तो किसी भी प्रश्न को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं पर सबसे अच्छा तरीका होता है समय के अंदर लिखना जैसे इस प्रश्न की बात करें बच्चों तो आप इसको पद के रूप में या गद्यांश के रूप में भी लिख सकते हैं सीधा सीधा ठीक है या पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं और दूसरा तरीका होता है कि पॉइंट वाइज लिखिए तो पॉइंट वाइज में कैसे लिख सकते हैं कि विशेषताएं है, निम्न प्रकार से थी और सीधा लिख दिया कि सहारदा एवं सरल स्वतंत्र व्यक्ति थे फिर दूसरा पॉइंट आपने बता दिया कि संतान से आघात प्रेम करते थे और तीसरा पॉइंट आपने बता दिया कि संस्कारों और संस्कृति से परिचित कराया था तो बच्चा आप कौन सा तरीका यूज करेंगे ये तय करता है कि आपके पास समय कितना है तो इस बात को बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारा अगला प्रश्न है माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य दिखाई पड़ता है उसे अपने शब्दों में लिखिए अब भाई इस प्रश्न का उत्तर तो हम सबको पता है हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है हमें हमें पता है कि हमारे माता पिता हमें कैसे प्रेम करते हैं और कितना प्रेम करते हैं पर फिर भी हम एक बार परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न का उत्तर समझ लेते हैं माता का आंचल पाठ में माता पिता के वात्सल्य भाव की संपूर्ण रसात्मक अभिव्यक्ति हुई है पिता का स्नेह बालकों के लिए माता तुल्य होता है यह बात भी हमें इस पाठ से ही ज्ञात होती है ज्ञात मतलब पता होना बेटा एक तरफ पिता अपने पुत्र को संस्कार की छाया देता है तो वही दूसरी ओर माता अपने पुत्र को आश्रय देती है और आश्रय भी किसके खिलाफ आश्रय देती है बच्चा विपत्तियों के खिलाफ, खिलाफ। यानी कि जब भी विपत्ति आती है तो बच्चे की ढाल बन की माँ खड़ी हो जाती है और इस बात का कभी ना कभी आपने अनुभव भी किया होगा चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अपने साथियों को देखकर भोलानाथ भोला सकना क्यों भूल जाता है अब बच्चा इस बात को समझ लीजिए कि भाई भोलानाथ से सकना क्यों भूल जाता है बाल्यावस्था के कारण भोलानाथ को सबसे ज्यादा आनंद अपनी मित्र मंडली के साथ आता है खूब खेलना ढेर सारी शरारतें करना चिड़ियों को पकड़ना यह सब भोलानाथ को बड़ा ही मनोरंजक और आकर्षक लगता है इसी आकर्षक के इसी आकर्षण के कारण बालक भोलानाथ सशकना भूल जाता है और अपनी मित्र मंडली में शामिल हो जाता है तो देखो बच्चों होता ये है कि गुरुजी ने जब भोलानाथ को बीटा तो पिताजी ने बीच बचाव किया और भोलानाथ को अपने साथ ले आए पर भोलानाथ रो तो रहा ही था पर जैसे ही वो अपनी मित्र मंडली को देखता है रोना भूल जाता है उनके साथ खेलना शुरू कर देता है क्योंकि बाल्यकाल में यानी कि बच्चों की दुनिया में हमेशा जो आनंद होता है वो खेलने के प्रति होता है ना कि पीड़ाओं के प्रति तो बच्चा हमारा इस प्रकार से खेलना शुरू कर देता आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं लेखक माता के आंचल में क्यों दुबक जाता है तो इसका उत्तर इस प्रकार से है लेखक गुरु से पिटने के बाद अपनी मित्र मंडली से मिलता है और सकना भूलकर उनके साथ खेलने में व्यस्त हो जाता है खेल खेल में लेखक चूहे के बिल में पानी भर देता है पर उस बिल में से चूहे के स्थान पर सांप निकलता है सांप को देखते ही भोलानाथ गिरते पड़ते अपनी माँ के आँचल में दुपक जाता है तो बच्चों होता ये है कि बालक खेल खेल में चूहे के बिल में पानी भर देते हैं पर चूहे के बिल में से निकलता है सांप और सांप को देख सारे बच्चे डर जाते हैं भोलानाथ भी बड़ा डरी सी हालत में वहाँ से दौड़ लगाना शुरू कर देता है और गिरते पड़ते घाव झेलते हुए वो पहुंचता है अपनी माँ के पास और उनकी गोद में दुपक जाता है तो बच्चों इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने जान लिया आइए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं आइए अगले प्रश्न को समझ लेते हैं हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है पाठ के आधार पर बाल वृत्ति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए तो बेटा इसका उत्तर जान लेते हैं उत्तर इस प्रकार से है बाल्यावस्था आनंद एवं उत्साह की चरम अवस्था है बालकों को खेलना और शरारत करना ही सूझता है इसलिए पाठ में कहा भी गया है कि बंदर और लड़के पराई पीर नहीं समझते परंतु बाल्यकाल का यह भी एक विशेष गुण है कि बालक का सारा संसार उसके माता पिता की छत्रछाया में ही खिलता है जिसका प्रमाण हमें माता का आंचल नामक पाठ में देखने को मिलता है तो देखो बच्चा बात सिर्फ इतनी है कि बालक बहुत सारी मौज मस्ती करते हैं बहुत सारे शरारते करते हैं पर इन सब का जो मूल आधार होता है यानी कि इन सारे इन सब चीजों के बीच जो उसकी दुनिया होती है वो माता पिता के आजू बाजू ही घूमती है और इसका प्रमाण जो हमें मिलता है वो इस पाठ में मिलता है कि कैसे भोलानाथ संकट के समय अपनी माता के पास जाता है ना कि अपने पिता के पास जाता है आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है किस घटना के माध्यम से हम माता का आंचल पाठ की सार्थकता को समझ सकते हैं इस प्रश्न को बेटा दूसरे तरीके से इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि माता का आंचल पाठ केंद्रीय घटना का वर्णन कीजिए यानी की कि माता का आंचल जो पाठ है उसकी केंद्रीय घटना कौन कौन सी थी यानी कि उसकी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो कौन सी थी तो देखो बच्चों उत्तर इस प्रकार से है लेखक भोलानाथ जब अपनी मित्र मंडली के साथ चूहे के बिल में पानी भर देता है तो उस बिल में सांप निकलता है यानी कि उस बिल से क्या निकलता है सांप और सारे बच्चे जो हैं वो डर के वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं भोलानाथ भी वहाँ से भागना शुरू कर देता है और अपनी माता के पास पहुँच जाता है और अपनी माता की गोद में छिप जाता है भोला की ऐसी हालत देखकर उसके पिता उसके पास आते हैं और उसे संत्वाना देने के लिए उसे अपनी गोद में उठाना चाहते हैं पर भोलानाथ किसी भी हाल में अपनी माता की गोदी को नहीं छोड़ता है तो बच्चा ये जो थी ना ये जो घटना थी वो केंद्रीय घटना थी और इससे पता चलता है कि माता का और एक बालक का कैसा संबंध होता है तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जानते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर मां की शरण लेता है आपकी समस्या की क्या वजह हो सकती है इस प्रश्न को बेटा एक और तरीके से पूछा जा सकता है माँ के प्रति अधिक लगाव ना होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ माँ के आंचल में प्रेम और शांति पाता है इसका आप क्या कारण मानते हैं इस प्रश्न को बेटा एक तरीके से और पूछा जा सकता है पिता से परम स्नेह पाकर भी विपत्ति के समय भोला नाथ अपनी माँ के आंचल की शरण क्यों लेता है तो बच्चा इस प्रश्न को ना तीन तरीके से पूछा जा सकता है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है तो बच्चे इस प्रश्न के उत्तर पर जरा ध्यान दीजिएगा उत्तर इस प्रकार से है लेखक का अपने पिता से बेहद लगाव था पिता बालक की बाल लीलाओं का हर प्रकार से भाग थे पर वह ना केवल पिता होने की जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे बल्कि बालक के परम मित्र भी थे परंतु एक माता का अपने पुत्र से अटूट और अलौकिक संबंध होता है जब भी एक बालक पर संकट की धूप आती है बालक माता के आंचल में सिमट जाता है और यही कारण है कि पिता से परम स्नेह मिलने पर भी विपत्ति के समय भोलानाथ अपनी माता के आंचल में शरण लेता है अब बच्चा समझ लीजिए जैसा हमने पाठ को पढ़ा और हमने पाठ को जाना तो हमें तो ये तो पता ही है कि भोलानाथ और उनके पिता के बीच में बहुत गहरा लगाव था पर जैसे ही कोई संकट आता है बच्चा कहाँ जाता है अपनी माँ के पास और ये बात क्या दर्शाती है ये बात दर्शाती है कि माता का और उसके बच्चे का एक अटूट संबंध होता है जिसे हम परा मनोवैज्ञानिक संबंध भी कहते हैं यानी कि मनोविज्ञान से ऊपर की ओर जो संबंध जाता है उसे हम परामोवैज्ञानिक संबंध भी कहते हैं और ये संबंध हमें हर माता और शिशु के बीच देखने को मिलता है तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया आइए बढ़ते हैं बच्चों आगे हमारा अगला प्रश्न है माता का आंचल पाठ का मूल उद्देश्य क्या है तो बच्चों इस प्रश्न में पाठ का मूल उद्देश्य पूछा गया है आइए हम इसका उत्तर जान लेते हैं पाठ का मूल उद्देश्य माता और पुत्र के अटूट परामनोवैज्ञानिक संबंधों को दर्शाना है सुख की धूप एक बालक को कितना भी आनंद दे पर दुख और विपत्ति की छाया मंडराते ही बालक अपनी माता की गोद में ही शांति पाता है ठीक यही बात हमें इस पाठ से सीखने को मिलती है तो बच्चों इस पाठ का मूल उद्देश्य मात्र इतना है इतना बतलाना है कि बालक सुख की छाया में अपनी मौज मस्ती में अपने घूमने फिरने के दिनों में कहीं भी चला जाए और कितना भी आनंद इस संसार से उठा ले जब भी संकट आएगा वो अपनी माँ के पास लौट कर आ जाता है और अगर लौट ना पाए तो अपनी माँ को याद जरूर करता है इस बात का अनुभव तो आपने भी किया होगा तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का रिविज़न किया इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को समझे और इस चैप्टर को हमने अच्छे से सीख लिया है अब बच्चों समय है आपसे विदा लेने का तब तक के लिए धन्यवाद